नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं साक्षी पांडे। शुरुआत करते हैं एंटरटेनमेंट की गॉसिप और खबरों की। रियलिटी शो में हिस्सा लेने वाले कलाकारों के नाम अब धीरे धीरे करके सामने आने लगे हैं और इस लिस्ट में नया नाम पंजाबी सिंगर अफसाना खान का जुड़ा है। जी हाँ, जो हार्डी संधू के चार्ट बस्टर गाने तितलिया वर्गा में थी। तितलिया वर्गा से पॉपुलैरिटी हासिल कर चुकी हैं अफसाना खान और इस गेम शो में अपने पार्टनर सास के साथ हिस्सा लेने वाली है। इसकी जानकारी खुद पंजाबी सिंगर ने सोशल मीडिया पर ताजा तस्वीरें शेयर करके दी। इन तस्वीरों में एक्ट्रेस बिग बॉस 15 के लिए जाते हुए एयरपोर्ट पर नजर आ रही है और इसके बाद ही एक्ट्रेस को सोशल मीडिया पर कई सितारों से बधाई संदेश भी मिलने लगे हैं। साथ ही आपको बता दें, पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री पूरे देश में लोकप्रिय मानी जाती है और पंजाब के सिंगर और रैपर का लोहा तो बॉलीवुड भी मानने लगा है। अफसाना खान से पहले पंजाबी सिंगर और एक्टर शहनाज गिल ने भी बिग बॉस 13 में हिस्सा लेने के बाद पूरे देश का प्यार पाया है। शहनाज गिल इस टीवी रियलिटी शो से रातों रात मशहूर हो गई और इस गेम ने एक्ट्रेस और सिंगर की पॉपुलैरिटी सातवें आसमान पर पहुंचा दी थी। इसके बाद अब गेम शो के मेकर्स भी पंजाबी सिंगर्स को अपने इस रियलिटी शो में हिस्सा लेने का मौका जरूर देते हैं। रियलिटी शो में हिस्सा लेने वाले कलाकारों के नाम अब धीरे धीरे करके सामने आने लगे हैं। इस लिस्ट में नया नाम पंजाबी सिंगर अफसाना खान का जुड़ा है, जो हार्डी संधू के चार्ट बस्टर गाने तितलियां वर्गा से पॉपुलैरिटी हासिल कर चुकी हैं। अफसाना खान इस गेम शो में अपने पार्टनर सास के साथ हिस्सा लेने वाली हैं, जिसकी जानकारी खुद पंजाबी सिंगर ने सोशल मीडिया पर ताजा तस्वीरों के साथ शेयर की है। इन तस्वीरों में एक्ट्रेस बिग बॉस 15 के लिए जाते हुए एयरपोर्ट पर नजर आ रही हैं। इसके बाद ही एक्ट्रेस को सोशल मीडिया पर कई सितारों से बधाई संदेश भी मिलने लगे हैं। पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री पूरे देश में लोकप्रिय है। पंजाब के सिंगर और रैपर का लोहा तो बॉलीवुड भी मानता है। अफसाना खान से पहले पंजाबी सिंगर और एक्टर शहनाज गिल ने भी बिग बॉस 13 में हिस्सा लेने के बाद पूरे देश का प्यार पाया था। शहनाज गिल इस टीवी रियलिटी शो से रातों रात मशहूर हो गईं। इस गेम शो ने एक्ट्रेस और सिंगर की पॉपुलैरिटी सातवें आसमान पर पहुंचा दी थी। इसके बाद अब गेम शो के मेकर्स भी पंजाबी सिंगर्स को अपने इस रियलिटी शो में हिस्सा लेने का मौका जरूर देते हैं। वहीं अब बात कर लेते हैं साउथ सुपरस्टार राणा दग्गुबत्ती और उनके चाचा वेंकटेश दग्गुबत्ती की। वो जल्द ही ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज के लिए साथ नजर आने वाले हैं। ये वेब सीरीज मशहूर अमेरिकन क्राइम ड्रामा वेब सीरीज रे डोनोवन का रीमेक होगा। इस वेब सीरीज का नाम राणा नायडू होने वाला है और इस मेगा प्रोजेक्ट का ऐलान करते हुए नेटफ्लिक्स ने दोनों सितारों की एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पे शेयर की। इस तस्वीर को शेयर करते हुए मेकर्स ने कैप्शन दिया है, चिल्लाना बंद करो। आपको बता दें, राणा दग्गुबाती और वेंकटेश दोनों एक नेटफ्लिक्स सीरीज के लिए साथ आ रहे हैं, अब चिल्लाना शुरू करें। नेटफ्लिक्स का ये मेगा ऐलान आप यहाँ देख सकते हैं। बीते काफी वक्त से इन दोनों सितारों के फैंस इन्हें साथ में ऑन स्क्रीन देखने के लिए बेताब थे। अब आखिरकार टॉलीवुड की इस चाचा भतीजे की जोड़ी ने एक साथ काम करने के लिए हामी भर दी है। साउथ सुपरस्टार राणा दग्गुबाती और उनके चाचा वेंकटेश दग्गुबाती जल्द ही ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज के लिए साथ नजर आने वाले हैं। ये वेब सीरीज मशहूर अमेरिकन क्राइम ड्रामा वेब सीरीज रे डोनोवन की रीमेक होगी। इस वेब सीरीज का नाम राणा नायडू होने वाला है। इस मेगा प्रोजेक्ट का ऐलान करते हुए नेटफ्लिक्स ने दोनों सितारों की एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर शेयर की है। इस तस्वीर को शेयर करते हुए मेकर्स ने कैप्शन दिया है, चिल्लाना बंद करो। राणा दग्गुबाती और वेंकटेश दोनों एक नेटफ्लिक्स सीरीज के लिए साथ नजर आ रहे हैं, अब चिल्लाना शुरू करें। नेटफ्लिक्स का ये मेगा ऐलान आप यहां देख सकते हैं। बीते काफी वक्त से इन दोनों सितारों के फैंस इन्हें साथ में ऑन स्क्रीन देखने के लिए बेताब थे। अब आखिरकार टॉलीवुड की इस चाचा भतीजे की जोड़ी ने एक साथ काम करने के लिए हामी भर दी है। जानकारी के अनुसार इस फिल्म के बारे में वेंकटेश ने बात करते हुए कहा, मैं राणा के साथ काम शुरू करने का इंतजार नहीं कर सकता।
मैं रे डोनोवन का खुद बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ और टीम पूरी मेहनत कर रही है कि हम इस वेब सीरीज के साथ न्याय करें। जबकि राणा दुगबाती ने कहा, अब तक हम दोनों ने जो कुछ भी किया है ये उससे काफी अलग है। मैं शो की टीम के साथ काम करने को लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ। ये नई चुनौतियों से भरा और मजेदार होगा। आपको बता दें, करण जौहर बॉलीवुड के जाने माने निर्देशक हैं, लेकिन फिलहाल कुछ समय के लिए करण ने निर्देशन से ब्रेक ले रखा है। आपको बता दें कि करण अपनी वापसी एक धमाकेदार मूवी के साथ कर रहे हैं और पूरे बॉलीवुड की उम्मीदें करण से काफी ज्यादा हैं। वहीं करण जौहर ने एक बड़े बैनर के साथ हाथ मिलाया है, जहां कोरोना की वजह से पूरी फिल्म नगरी को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर सारे निर्माताओं के काफी अलग प्लान है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने निर्माता निर्देशक करण जौहर ने अपने बैनर की अपकमिंग चार फिल्मों के लिए वायकॉम 18 के साथ हाथ मिलाया है। ये दोनों बड़े बैनर मिलकर रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, जुग जुग जियो, शकुन बत्रा और शशांक खेतान की अपकमिंग फिल्म का निर्माण करेंगे। धर्मा प्रोडक्शन की ये चारों ही फिल्में इस समय प्री प्रोडक्शन स्टेज पर हैं। फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने ट्रेड एक्सपर्ट करण आदर्श ने ट्वीट करके लोगों को इस बात की जानकारी दी। करण जौहर ने पिछले कुछ दिनों पहले ही ऐलान किया था कि वो रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की रॉकी और रानी की प्रेम कहानी से डायरेक्शन की गद्दी दोबारा संभालेंगे। इससे पहले उन्होंने रणबीर कपूर, अनुष्का शर्मा, ऐश्वर्या राय बच्चन स्टारर ए दिल है मुश्किल में काम किया था और उसका डायरेक्शन किया था, जो बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हुई थी। इसके बाद से ही दर्शक करण जौहर के डायरेक्शन में बनी मूवी का इंतजार कर रहे थे। लोगों का यह इंतजार रॉकी और रानी की प्रेम कहानी से पूरा होगा। इस फिल्म में रणबीर आलिया के अलावा धर्मेंद्र, जया बच्चन और शबाना आजमी भी अहम किरदारों में नजर आएंगे। कोरोना वायरस महामारी की वजह से इंडस्ट्री की हालत काफी खराब है। पिछले लगभग 1.5 सालों से कोई भी बड़ी मूवी सिनेमा घरों में रिलीज नहीं हो पाई है, जिस कारण मेकर्स को करोड़ों का घाटा हुआ है। मुश्किल के इस दौर में बड़े बड़े बैनर एक साथ आकर फिल्मों का निर्माण करने के लिए मजबूर है। ट्रेड एक्सपर्ट्स को उम्मीद है कि आने वाले वक्त में हालात ठीक हो जाएंगे और फिर से निर्माताओं को मुनाफा होने लगेगा, लेकिन तब तक दो बड़े बैनरों के साथ आने में ही भलाई है। तो ये करण जौहर के फैंस के लिए अच्छी खबर है। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शिल्पा शेट्टी की। शिल्पा शेट्टी वैसे तो अपने बेहतरीन वर्कआउट की वीडियो और संडे बिंच के लिए फेमस है, लेकिन काफी समय से शिल्पा अपने पति राज कुंद्रा के कारण सुर्खियों में बनी हुई है। राज कुंद्रा को उनके गैर कानूनी बिजनेस की वजह से मुंबई पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया था। साथ ही आपको बता दें, जिसकी वजह से इस कपल की चर्चा हर जगह देखने को मिल रही है। खबरें तो ये भी थी कि कपल का डिवोर्स होने वाला है, लेकिन अभी 3 दिन पहले राज कुंद्रा वापस घर लौट आए हैं और उनके वापस लौटने के बाद शिल्पा और राज की जिंदगी में क्या बदलाव आए हैं, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। पोर्नोग्राफी केस में घिरे बॉलीवुड फिल्म स्टार शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा हाल ही में जमानत पर रिहा होकर घर पहुंचे हैं। इसके साथ ही एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी को एक और अच्छी खबर हाथ लगी है। अदाकारा ने ऐलान किया है कि वो सुपर डांसर चैप्टर 4 के बाद टीवी रियलिटी शो इंडियाज गॉट टैलेंट को भी जज करने वाली है। बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को पॉर्न मामले में 20 सितंबर के दिन जमानत मिल गई थी। साथ ही कोर्ट ने 50,000 के मुचलके पर राज कुंद्रा को जमानत दे दी। 60 दिन बाद राज कुंद्रा जेल से बाहर आए, जिन्हें अभी लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी है। हालांकि शिल्पा शेट्टी ने पति राज कुंद्रा की जमानत को पहले जीत के रूप में माना है। शिल्पा शेट्टी ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी लगाकर लोगों को मैसेज दिया है कि वो पति राज कुंद्रा की लड़ाई में उनके साथ ही खड़ी रहेंगी और जहां जरूरत पड़ेगी वो उनकी मदद करेंगी। साथ ही आपको बता दें, शिल्पा शेट्टी ने इंस्टाग्राम पर जो स्टोरी लगाई है उसमें लिखा है कि लंबे तूफान के बाद सुनहरी सुबह आती है। शिल्पा शेट्टी के अनुसार इंद्रधनुष इस बात का सबूत है कि तूफान के बाद सुनहरी सुबह आती ही है। मुंबई पुलिस ने राज कुंद्रा को भारत में पॉर्न फिल्मों का निर्माण करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। भारत में पॉर्न फिल्मों का निर्माण करना गैर कानूनी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राज कुंद्रा भारत में पॉर्न फिल्मों की शूटिंग करवाते थे और उन्हें इंटरनेट की मदद से विदेश ट्रांसफर करते थे। वहां उनका बिजनेस पार्टनर उन फिल्मों की एडिटिंग कराने के बाद एप्स के जरिए दर्शकों तक पहुंचाता था।
इस बिजनेस से राज कुंद्रा ने करोड़ों रुपयों का मुनाफा भी कमाया है। पुलिस के हाथ राज कुंद्रा की व्हाट्सएप चैट लगी है, जिसमें वो अपने पार्टनर से मुनाफे के बारे में बात करते नजर आए हैं। अदाकारा ने पुलिस को पूछताछ के दौरान बताया है कि उन्हें राज कुंद्रा के बिजनेस के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वो अपने काम में इतनी बिजी रहती थी कि उन्हें राज के काम के बारे में जानने का वक्त ही नहीं मिला और ना ही कभी राज ने उन्हें इस बिजनेस के बारे में बताया था। तो ये शिल्पा शेट्टी के लिए एक बड़ी खुशी की बात है। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आदित्य सियाल की। जी हाँ, स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के फेम आदित्य सियाल को तो अब सभी जानते हैं। आए दिन बेहतरीन पिक्चर्स सोशल मीडिया पर छाई रहती है उनकी, और साथ ही आदित्य ने OTT प्लेटफॉर्म पर भी अपना अच्छा कदम जमा रखा है। लेकिन आदित्य सियाल को लेकर अब जो खबरें सामने आई हैं उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। तो आइए देखते हैं ये रिपोर्ट और जानते हैं कि आदित्य की लाइफ में क्या हलचल चल रही है। कोरोना लॉकडाउन में हम सभी ने देखा कि बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम, इंडियन आइडल 12 के होस्ट रहे आदित्य नारायण जैसे कई हस्तियों ने शादी के बंधन में बंधने का फैसला किया। ऐसे में अब जो ताजा रिपोर्ट सामने आई है उनके मुताबिक स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 स्टार आदित्य गर्लफ्रेंड और एक्ट्रेस अनुष्का रंजन से शादी करने की प्लानिंग कर रहे हैं। आदित्य और अनुष्का का रोमांस काफी समय से चर्चा में है। दोनों ने अभी तक अपने रिश्तों को ऑफिशियल नहीं किया है। दोनों की रोमांटिक पिक्चर्स दर्शकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 2 साल से एक दूसरे को वो दोनों डेट कर रहे हैं और एक कपल इसी साल नवंबर में शादी के बंधन में बंध जाएगा। सूत्रों की माने तो शादी की तारीख, कपड़े और बाकी डिटेल्स को पहले ही कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए अंतिम रूप दिया जा चुका है। दोनों की शादी 21 नवंबर को होने की उम्मीद है। हालांकि जब आदित्य से इस खबर की पुष्टि की गई तब उन्होंने फिलहाल इस मामले पर चुप्पी साधना ही सही समझा। तो अब देखना ये दिलचस्प रहेगा कि आदित्य अपनी शादी की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब करेंगे। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बॉलीवुड के किंग खान की, यानी शाहरुख खान की। शाहरुख को लोग जितना प्यार देते हैं उसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। ऐसे में जब शाहरुख कोई ऐसा प्रोजेक्ट करें जो जनता को पहले से ही लुभाती है तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। खबरों की माने तो शाहरुख खान अपने नए प्रोजेक्ट में जाने माने वेब सीरीज मनी हाइस्ट से प्रोफेसर का किरदार निभाएंगे। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान अपनी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर खास चर्चा में हैं। शाहरुख खान की पाइपलाइन में कई सारी फिल्में हैं, जिनमें से एक टॉलीवुड डायरेक्टर एटली कुमार के साथ आने वाली एक्शन ड्रामा फिल्म है। फिल्म को लेकर कई तरह की रिपोर्ट सामने आई हैं। फिल्म में शाहरुख का साथ देने के लिए नयनतारा और प्रिया मनी जैसी एक्ट्रेस नजर आएंगी। फिल्म का नाम भले ही तय नहीं किया गया है लेकिन फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई है। अब फिल्म की कहानी को लेकर एक नई बात सामने आई है। खबरें हैं कि फिल्म में शाहरुख खान का किरदार लोकप्रिय स्पैनिश ड्रामा वेब सीरीज मनी हाइस्ट के प्रोफेसर की यानी एल्वारो मोटो से प्रेरित होगा। इस फिल्म में एक बैंक रॉबरी दिखाई जाएगी जिसे SRK लीड करेंगे। फिल्म में शाहरुख खान डबल रोल निभाएंगे। खबरें हैं कि फिल्म में शाहरुख एक पुलिस वाले और एक क्रिमिनल का रोल करते दिखाई देंगे। फिल्म की कहानी लिख ली गई है और उसमें से थोड़ा हिस्सा मनी हाइस्ट से प्रभावित होने की खबरें हैं। इस खास हिस्से को शूट करने में काफी सावधानी रखी गई है। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी की, जिन्हें नारकोटिक सेंट्रल ब्यूरो ने मई में ड्रग मामले में जुड़े होने के चलते गिरफ्तार किया था। सुशांत की फैन फॉलोइंग के चलते उनके फैंस आज भी उनके केस का फॉलो अप लेते रहते हैं। हाल ही में सुशांत के केस को लेकर क्या जानकारी है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट। बॉलीवुड के दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी को नारकोटिक सेंट्रल ब्यूरो ने मई में ड्रग मामले से जुड़े होने के चलते गिरफ्तार किया था। सुशांत सिंह राजपूत मामले में ये बात सामने आई थी कि सिद्धार्थ पिठानी मुंबई में फैले ड्रग रैकेट से जुड़े हुए हैं। इस मामले में पूछताछ करने के लिए NCB ने उन्हें गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद से ही सिद्धार्थ पिठानी पुलिस की हिरासत में है। रिपोर्ट्स की माने तो सिद्धार्थ पिठानी ने कोर्ट को जमानत याचिका भेजी थी जिसे ठुकरा दिया गया है।
कोर्ट ने 11 अगस्त के दिन सिद्धार्थ पिठानी की जमानत याचिका ठुकराई थी। सिद्धार्थ पिठानी की जमानत याचिका ठुकराते हुए कोर्ट ने कहा है, इस स्थिति पर पहुंचने के बाद यह कहना मुश्किल है कि सिद्धार्थ पिठानी ड्रग डीलिंग के साथ जुड़े हुए थे या नहीं, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि यह मामला क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 164 के अंतर्गत आता है या नहीं। ऐसी परिस्थिति में याचिकाकर्ताओं को बेल नहीं दी जा सकती है। आपको बता दें कि एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद से ही मुंबई में एनसीबी का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। एनसीबी जल्द से जल्द मुंबई में फैले ड्रग रैकेट को खत्म करना चाहती है, जिसके चलते वो लगातार फिल्मी हस्तियों की जांच कर रही है। अब तक इस मामले में कई सेलेब से पूछताछ हो चुकी है और कई को हथकड़ी भी लग चुकी है। सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद यह खुलासा हुआ है कि ड्रग रैकेट फिल्मी हस्तियों के बीच पैर पसार चुका है और कई बड़े सेलेब्स इसमें लिप्त हैं। एनसीबी ऐसे सेलेब्स को सलाखों के पीछे पहुंचाकर इंडस्ट्री को ड्रग मुक्त बनाना चाहती है, ताकि मुंबई से ड्रग माफियाओं को जड़ से उखाड़ा जा सके। वहीं अब बात कर लेते हैं शहनाज की और एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला की। दुर्भाग्यवश मौत के बाद उनकी दोस्त शहनाज गिल की हालत काफी नाजुक है। खबरों की माने तो शहनाज शूटिंग पर भी नहीं आ रही। आपको बता दें कि शहनाज एक जानी मानी एक्ट्रेस हैं और उन्हें लास्ट सीजन बिग बॉस में देखा गया था। सिद्धार्थ और शहनाज काफी करीबी दोस्त थे और लोग उनकी जोड़ी को खूब प्यार देते थे। साथ ही सिद्धार्थ की मौत के बाद भी लोगों ने शहनाज को सहानुभूति दिखाई और उनका बहुत साथ दिया। बॉलीवुड में भी इनके जितने दोस्त थे उन्होंने शहनाज को सहारा दिया। सोशल मीडिया पर भी सिद्धार्थ और शहनाज की फोटोज आए दिन ट्रेंड होती रहती हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट और जानते हैं शहनाज कब से शूटिंग पे वापस लौट रही है। शहनाज गिल और दिलजीत दोसांझ स्टारर पंजाबी फिल्म हौसला रख साल की सबसे अवेटेड फिल्मों में से एक है। रिपोर्ट्स की माने तो सिद्धार्थ शुक्ला की मौत के बाद शहनाज गिल की हालत ठीक नहीं है। इन दिनों शहनाज गिल काफी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में शहनाज गिल की आगमी फिल्म के निर्माताओं ने हाल ही में एक अपडेट साझा किया और खुलासा किया कि उन्होंने पहले 15 सितंबर को एक प्रमोशनल सॉन्ग की शूटिंग की प्लानिंग की थी। मेकर्स ने बताया कि सिद्धार्थ शुक्ला की मौत के बाद उन्हें इस गाने की शूटिंग को स्थगित करना पड़ा, क्योंकि शहनाज शूटिंग करने की स्थिति में नहीं थी। सूत्रों की माने तो हौसला रख के निर्माता दिलजीत हिंड ने कहा, हम शहनाज गिल के ठीक होने की इंतजार में हैं। हमने 15 सितंबर को लंदन में गाने की शूटिंग करने की प्लानिंग की थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका क्योंकि इसका कारण एकदम साफ है। हम जल्द ही एक नई तारीख को अंतिम रूप देंगे और चाहते हैं कि शहनाज भी इस फिल्म का हिस्सा बने, क्योंकि इस फिल्म में वही लीड एक्ट्रेस है। मैं उनके मैनेजर के संपर्क में हूं और उम्मीद करता हूं कि वो कुछ दिनों के अंदर हमसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। सिद्धार्थ शुक्ला की मौत के बाद से कई अभिनेताओं और फैंस ने शहनाज को सपोर्ट किया। ट्विटर पर स्टे स्ट्रॉन्ग सना ट्रेंड करता रहता है। हाल ही में बिग बॉस 14 में नजर आ चुकी पवित्रा पूनिया ने पेपराजी से बातचीत की और शहनाज को एक प्यारा सा मैसेज भेजा। उन्होंने कहा, मैं बस यही प्रार्थना करूंगी कि वह अपने पैरों पर वापस आ जाएं, क्योंकि मुझे यकीन है सिद्धार्थ कहीं ना कहीं से उन्हें देख रहे होंगे और कामना कर रहे होंगे कि वह वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में आ जाएं। हम सभी शहनाज का इंतजार कर रहे हैं। तो आपने देखा कि कैसे शहनाज गिल को सभी का समर्थन मिल रहा है। वहीं आगे बढ़ते हैं, खबरें हैं कि राखी सावंत के पति रितेश बिग बॉस 15 में हिस्सा लेंगे। जी हां, आपको बता दें कि राखी के पति रितेश को अभी तक किसी ने भी नहीं देखा है और रिपोर्ट्स के अनुसार राखी ने कहा कि रितेश शो का हिस्सा होंगे। साथ ही खबरें हैं कि सलमान खान और बिग बॉस की टीम ने रितेश से संपर्क किया है, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया और कहा कि वो अपने बिजनेस में बिजी होने के कारण उनसे नहीं मिल सकते। राखी ने बिग बॉस 14 में हिस्सा लिया था और उन्होंने अपनी एंट्री से शो को काफी दिलचस्प बना दिया। एक इंटरव्यू में राखी ने कहा था कि वो रितेश के साथ बिग बॉस 15 का हिस्सा बनना चाहती थी। राखी ने कहा कि वो दिल से चाहती हैं कि उनके पति रितेश बिग बॉस का हिस्सा बने, क्योंकि उनका मानना है बिग बॉस बहुत सारी चीजें सिखा देता है। टीवी के कॉन्ट्रोवर्शियल शो बिग बॉस 15 का प्रीमियर 2 अक्टूबर के दिन होने जा रहा है। शो में हिस्सा लेने के लिए कई सेलेब्स के नाम सामने आए हैं। इन सेलेब्स में राखी सावंत के पति रितेश का नाम भी शामिल है। राखी सावंत ने पति रितेश
को शो का हिस्सा होने की खबर बताई है। और साथ ही आपको बता दें कि रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्ट्रेस ने कहा कि वो शो का हिस्सा होंगे। खबरें हैं कि सलमान खान और बिग बॉस की टीम रितेश को ढूंढ रही है और रितेश ने अपने बिजनेस के कारण बिजी होने की खबर बताई है। राखी ने बिग बॉस 14 में हिस्सा लिया था और उन्होंने अपनी एंट्री से शो को दिलचस्प बना दिया था। साथ ही आपको बता देते हैं कि राखी ने क्या कहा। राखी ने कहा कि शादी के बाद कोई अपनी पत्नी को इस तरह नहीं छोड़ता। राखी ने आगे कहा कि वे एक साथ नहीं रह रहे हैं और साथ ही साथ राखी ने बताया कि अगर मैं घर में उनके साथ रहूंगा तो पूरा देश देखेगा कि हम कैसे साथ रहते हैं और हमारी ट्यूनिंग कैसी है। मैं चाहता हूं कि हमारा रिश्ता 100% काम करे। मैं अपने पति के बारे में नहीं जानती। राखी ने कहा कि मैं एक जीवन, एक पति, एक भगवान और एक दुनिया में विश्वास रखती हूँ। खबरें थी कि रितेश ने राखी को छोड़ दिया है। इन बातों को क्लियर करते हुए राखी ने कहा था, मेरे पति ने ना मुझे छोड़ा है और ना पकड़ा है, ये लटका हुआ मामला है। लेकिन मुझे अपने पति पर गर्व है। वो बहुत अच्छा लड़का है और बहुत समझदार है। वो बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं और पढ़े लिखे हैं। उन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है। मुझे लगता है कि वो बिग बॉस हाउस में जाकर सुधर जाएंगे। साथ ही राखी ने कहा, इंसान का सारा टेम्परामेंट बिग बॉस के घर में नीचे आ जाता है। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि वाकई राखी के पति बिग बॉस 15 में हिस्सा लेते हैं या नहीं। वहीं आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि टीवी एक्टर अर्जुन बिजलानी के वैसे तो बहुत से फैंस हैं, लेकिन जब से वो खतरों के खिलाड़ी का खिताब जीत कर आए हैं तब से उनके फैंस उन्हें पहले से भी ज्यादा प्यार दे रहे हैं। आपको बता दें, अर्जुन काफी सारे सीरियल में देखे जा चुके हैं और सोशल मीडिया पर भी वो काफी एक्टिव रहते हैं। अर्जुन बिजलानी ने महीनों तक चली यात्रा को विनर के रूप में समाप्त किया है। अर्जुन बिजलानी ने शो में लगभग सभी स्टंट परफॉर्म किए और दर्शकों का दिल जीत लिया। इसी कारण रोहित शेट्टी ने उनके गले में विजेता का हार पहनाया है। आइए जानते हैं और देखते हैं रिपोर्ट। टीवी इंडस्ट्री के जाने माने कलाकार अर्जुन बिजलानी ने खतरों के खिलाड़ी 11 की ट्रॉफी उठा ली है। बीते दिन कलर्स चैनल की सुपरहिट रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी 11 की फिनाले की शूटिंग पूरी हुई, जिसमें सभी प्रतियोगी पहुंचे थे। अर्जुन बिजलानी ने दिव्यांका त्रिपाठी और विशाल आदित्य सिंह को फिनाले में धूल चटाते हुए विजेता की ट्रॉफी पर अपना नाम लिख लिया है। जब से अर्जुन बिजलानी की जीत की खबर सामने आई है तब से ही लगातार लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं। अर्जुन बिजलानी के परिवार वाले भी उनकी जीत से काफी खुश हैं। अर्जुन बिजलानी की पत्नी ने फोटोज के माध्यम से बताया कि उनके घर पर सभी लोग कैसे खुशियां मना रहे हैं। अर्जुन की पत्नी ने घर पहुंचे मेहमानों और ट्रॉफी की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है। अर्जुन बिजलानी ने अपने खास दोस्तों के साथ जीत का जश्न मनाया है। अर्जुन की पत्नी ने अपने सोशल मीडिया पर तस्वीरें भी शेयर की। एक्टर अर्जुन बिजलानी को फैंस लगातार सोशल मीडिया पर उन्हें बधाई दे रहे हैं। अर्जुन बिजलानी ने महीनों तक चली यात्रा को विनर के रूप में समाप्त किया है। अर्जुन बिजलानी ने शो में लगभग सभी स्टंट परफॉर्म किए और दर्शकों का दिल जीत लिया। इसी कारण रोहित शेट्टी ने उन्हें गले लगाया और विजेता का हार पहनाया। लेकिन दिव्यांका त्रिपाठी ने सबका दिल जीता है। दिव्यांका त्रिपाठी ने जिस तरह से बेखौफ होकर अपना सफर तय किया, उनकी सभी खूब तारीफ कर रहे हैं। दिव्यांका के लिए कई लोगों ने सोशल मीडिया पर आवाज भी उठाई है और कह रहे हैं कि मेकर्स ने उनको धोखा दिया है। तो आज के एंटरटेनमेंट सेगमेंट में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया। वेदांता एक ऐसा शैक्षणिक संस्थान जहां होता है बेहतर शिक्षा का सही समाधान। सिविल सर्विसेज एग्जाम हो या फिर डिफेंस सर्विस एग्जाम, यहां सिविल शिक्षा की बारीकियों से रूबरू कराती अर्चना यादव कपूर। इस इंस्टीट्यूट को देहरादून में पॉपुलरली वेदांता IAS अकेडमी के नाम से जाना जाता है। इंस्टीट्यूट की स्थापना हमने 2006 में करी
उसके बाद निरंतर यहाँ से कई छात्रों ने अपनी तैयारी करी और सफलता प्राप्त करी। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं या फिर जो उत्तराखंड की महिलाएं हैं उनके लिए हमने कुछ सीट्स रिजर्व करी हैं, ताकि किसी भी वजह से कोई भी बच्चा, कोई भी छात्र IAS जैसी एग्जाम की तैयारी या PCS जैसे एग्जाम की तैयारी से वंचित ना रह जाए। हमारे संस्थान से शिक्षा पाकर कई बच्चे UP और उत्तराखंड सरकार के अलग अलग विभागों में उच्च स्तर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं।